अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एजाज असलम, लाइफ ग्रीन है, मेरे साथ है नादिया खान। जी हाँ, और मैं बड़ी खुश हूँ। एक तो ईद करीब है तो सेलिब्रेशन है, और आखिरी रोजों में इतनी एक्साइटमेंट होती है कि बस ईद आने वाली है, बहुत मजा आएगा, प्लान्स बन रहे होते हैं, और हमारे लिए डबल सेलिब्रेशन है। हमारी दूसरी सेलिब्रेशन और खुशी ये है कि माशाल्लाह दिस शो लाइफ ग्रीन इज अ सुपर हिट। माशाल्लाह बहुत लोग पसंद कर रहे हैं, और जो इसमें से कंटेंट निकल रहा है, जो हम हमारे गेस्ट आके हमसे बातें करते हैं, वो बड़ी मजेदार हैं, शायद पहले किसी शोज में उन्होंने की नहीं है। सो दिल खोलकर लोग बात कर रहे हैं, सारे हमारे जो गेस्ट हैं, तो लोगों को भी बड़ा मजा आ रहा है, कुछ डिफरेंट सुनने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है, और ऐसा होता नहीं था कभी कि रमजान के एक टिपिकल एक फॉर्मेट पे सब बड़े अच्छे, लेकिन शोज वैसे ही चल रहे थे सब चैनल्स पे हर साल। और ग्रीन टीवी ने एक नया ट्रेंड शुरू किया कि भाई कुछ नया करना है, क्योंकि ये तो हमारा स्टाइल है। और उन्होंने वो टाइम जब रोजा ज्यादा लगे उस पर इतना अच्छा लाइट एंटरटेनिंग शो शुरू किया, जिसमें बैठ के आराम से गपशप करते हैं, गुजर जाता है। हाँ, अच्छा, एक तो अब कैसे पता चले शो हिट है, एक तो ये कि जो बेचारे यूट्यूबर्स हैं ये वो, उनकी तो रमजान में ना डॉलर पे बंदिश लग गई थी, क्योंकि कंटेंट नहीं मिल रहा था, यहाँ से मिल रहा है बहुत, और अच्छी अच्छी क्लिप्स, अच्छे अच्छे अच्छी, मतलब जो हमारे गेस्ट आए हैं उनकी बहुत सारी पॉजिटिव चीजें ऐसी हैं जो लोगों तक नहीं थी, जिनके लाइफ एक्सपीरियंसेस थे वो लोग एंजॉय कर रहे हैं। जिस तरह से लोग आके अपनी बातें बताते हैं, अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस, उससे लोगों को पता चलता है किसी की स्ट्रगल्स थी तो उसमें से वो कैसे निकला या निकली, तो वो उससे सीखने का बड़ा एक मोटिवेशन मिल जाती है इंसान को। बहुत सारे लोग आइडलाइज करते हैं ना अपने जो फैंस होते हैं कि अपने स्टार्स को, तो वो जब ये कर सकता है, इस मुश्किल वक्त में से निकल सकता है, या ऐसे लाइफ एक्सपीरियंसेस उनके साथ हो सकते हैं, तो लोग रिलेट करते हैं। बिल्कुल, और करते हैं हम क्योंकि इस फील्ड में बड़े अरसे से हैं, सीनियर्स हैं, और बहुत सारे लोग हमारे फ्रेंड्स हैं, कोलीग्स हैं, या जो जूनियर्स भी हैं, बड़ा रिगार्ड करते हैं, और बहुत मज़ा आता है कि उनके साथ शो करें, एक कम्फर्ट लेवल होता है। और बहुत सारे लोगों को ये नहीं एज होती, तो फिर वो कुछ अजीब अजीब सवाल करेंगे जिसका समझ नहीं आता, और वो सामने गेस्ट को भी समझ नहीं आती कि क्या हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्ट्रोवर्सी फ्री, बिल्कुल गड़बड़ फ्री, कोशिश ही नहीं है, ये एंटरटेनमेंट रही है माशाल्लाह थ्रू आउट रमज़ान, जितने भी हमने शोज यहाँ किए हैं। थैंक यू सो मच हमारे गेस्ट का, हमारे ब्रांड्स का, एंड ग्रीन टीवी, और आपका भी थोड़ा थोड़ा, आपका भी थोड़ा थोड़ा। हाँ, तो ग्रीन थॉट क्या है? ग्रीन थॉट नादिया आज ये है कि हाइजीन, पर्सनल हाइजीन हो गई, और वैसे इन जनरल हाइजीन का ख्याल रखना कितना जरूरी है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, यानी कि खुद की सफाई सुथराई, खास तौर पे खुद की भी, घर की भी, आसपास की भी, बट सफाई सुथराई और लिविंग कंडीशंस जिसमें आप रहते हैं या आपके आसपास, तो वो आपकी एक नेचर होती है ना, अगर आप खुद अपनी हाइजीन का, पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखते हैं, तो फिर वो इंसान ऐसा हो नहीं सकता कि जो शख्स अपनी पर्सनल हाइजीन का ख्याल रख रहा है उसकी लिविंग जो सराउंडिंग्स हैं वो क्लीन ना हो, या उसकी हाइजीन का ख्याल ना रखें, और ये कितना इम्पोर्टेंट है। और मैंने ये भी देखा है कि वो लोग जो साफ नहीं रहते ना, उनको अपने आप से बदबू नहीं आती। हाँ, ये तो उनको लगता ही नहीं कि कुछ गड़बड़ है, उतने कॉन्फिडेंस और खुशी से चल रहे होते हैं कि मतलब बाकी लगता है कि मर जाएंगे, जैसे होता ना वो कहते ना सांप ने मार दिया। ये बात मुझे समझ नहीं आती, उनको स्मेल नहीं आती कि हमारे पास ऐसे ड्राइवर भाई आए। अब मसला ये है कि ड्राइवर का तो खास तौर पे साफ सुथरा होना जरूरी, क्योंकि गाड़ी बंद, एसी चल रहा है, उसी की महक ऐसे रोटेट हो रही है पूरी गाड़ी में, जिन 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 जिन, दिमाग खराब। लेकिन देखें, वो ड्राइवर हजरात जो होते हैं हमारे, उनका तो ये होता है ना कि वो बाहर भी बैठ रहे हैं, पसीने का मसला बिल्कुल है, लेकिन उसके भी तरीके नहीं, घर से जा रहे थे, घर से निकल के जा रहे हैं। मैंने कहा भाई इतनी बदबू कहाँ से आ रही है, कह रहे बाजी मैं तो नहा के जाया हूँ, मेरे से नहीं हो सकती। मैं उसका मतलब कह रहे मेरे से नहीं, लेकिन देखें इन लोगों को ना एजुकेट करना हमारा फर्ज है कि हम बताएं कि ये दिस इज द स्टैंडर्ड यू हैव टू फॉलो। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, बड़े अच्छी पोजीशंस पे होते हैं, हमारे अपने कोलीग्स में बहुत सारे ऐसे लोग आ जाते हैं जिनको ये रियलाइज नहीं होता, दे कैन अफोर्ड एनीथिंग, जो मतलब हर चीज खरीद, उनसे भी आती है। अच्छा, ये अब इसकी बात खत्म नहीं हुई ड्राइवर भाई की। अरे ड्राइवर भाई की तो कहानी कस्सा, किस मेरे किस्से में जब तक एंडिंग ना हो समझो कि बात चल रही है। एंडिंग इसकी ये हुई कि उन्होंने कहा बाजी मैं तो नहीं हो सकता, मैं तो नहा के आया हूं। मैंने कहा अच्छा भाई मैं भी नहीं हो सकती, इस स्मेल कहां से आ रही है? तो पता चला कि बेशक वो नहा के आए थे, लेकिन उनके कपड़े गंदे थे, कपड़े वही पहने थे जो पहने हुए थे। तो मैंने कहा भैया ये जुल्म तो ना करे ना, कपड़े भी बदले। जी बाजी बस वो जल्दी में कपड़े में वही पहन के आ गया। आहा, तो जो महक थी वो मलीर से डिफेंस तक चली, बड़ा मुश्किल हो गया। यही आ गया ना पर्सनल हाइजीन के अंदर, कि आपने किसी को नहा लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फिर आप
कपड़े गंदे पहन लें तो क्या फ़ायदा होगा। और मुझे लगता है नादिया इसकी वजह एक ये भी होती है कि गाड़ी में जब आप बैठते हैं तो ऑब्वियसली गाड़ी बंद होती है, एसी चल रहा होता है, तो वो फिर अगर शीशे खुले हों तो फिर तो स्मेल ना आए, हवा क्रॉस हो रही होगी, लेकिन गाड़ी के अंदर ही वो रहती है और वो बैक्टीरिया भी हो सकता है उसके अंदर और भी। बिल्कुल, और फिर वो गाड़ी की सीट पे जो है ना सेट हो जाती है स्मेल, वो अंदर रह नहीं, क्या कहते हैं उसको, कपड़ा जो है वो उसको खींच लेता है, वो रहती है फिल्टर में आ जाती है ना, हाँ। वो आपको नहीं, अच्छा। और इसमें देखिए ये ना समझे कि कोई मैडम मुलाजिम अमीर गरीब की बात कर रहे हैं, नहीं, आपकी सोच है जितनी, बच्चों में से बदबू आती है, जी हाँ, हमारे बच्चों में से, खेल के आते हैं, नहाते पता नहीं कैसे हैं, कोई मतलब नहाते हैं नहीं नहाते, वो उससे भी आगे हैं। तो ये एक सबको ही एजुकेट करना आसपास जरूरी है कि ये सफाई जरूरी है, इसमें अमीरी गरीबी की बात नहीं, आपके पास दो कपड़े हों लेकिन आपको साफ सुथरा रहना चाहिए, स्पेशली जब आप घर से अपना सफर शुरू कर रहे हैं, जब निकल रहे हैं काम पे जा रहे हैं, तब कुछ देर तो भाई। नादिया कभी ऐसा हुआ कि सेट पे गई हो और किसी कुलीग के पास से लग रहा हो कि स्मेल आ रही है, क्या करती हो? बिल्कुल, मुझे बोल देती हो? आता होता है, और पता कुछ लोगों का कसूर भी नहीं होता, लेकिन मसला है कि मतली होती है, दिल खराब होता है, खास तौर पे मेरा क्या प्रॉब्लम है, अब उसमें पार्लर के भी लोग आ जाते हैं, उसमें हर वो शख्स जिसने आपसे ऐसे आपके करीब आके ना ये करना है, एक्सक्यूज मी, बस मर गए, समझ गए आप? तो क्या करती, क्या अगर ये जो आप बगलों वाली स्मेल है इसका भाई बड़ा मैं परेशान हूँ और कुछ नहीं कर सकते आप, वो जैसे उसने बाल बनाए लड़की ने इधर आए मैं मार दो, ये है तो, और होता भी है अब, अच्छा इसी भी चल रहे हैं, अच्छा इसका फिर भी इसका हल क्या है? इसका हल क्या है? इसका हल है कि एक तो डिओडोरेंट्स अवेलेबल है मार्केट में, देसी भी टोटके, देसी टोटकों में फिटकरी, फिटकरी है बिल्कुल, अच्छा कोई मेरे ख्याल में सस्ता और अच्छा हल है ही नहीं, और अब तो उसके डिओडोरेंट भी आते हैं, मैं खुद वही यूज़ करता हूँ क्योंकि वो नेचुरल भी है, उसमें कोई केमिकल नहीं है, तो उसके फिटकरी के बने हुए वो आते हैं स्टिक्स, वो आप वो सस्ती भी हैं और वो आप वो नेचुरल भी है, उसका कोई नुकसान नहीं। बात ये कि आप कॉन्शियस हो जाएं, आप कॉन्शियस हो, आपको पता हो, पता हो कि जी ये एरियाज हैं, ये स्मेल वाले हैं, मैं इनका खुद ही ख्याल रखूँ, लोग ख्याल नहीं रखते। अब एक कॉम है फिलिपिनोज की, ठीक है ना, दुबई में तो बहुत ही आपको नजर आएंगे, मैंने कितने साल दुबई में गुजारे, मैं जब भी वहाँ किसी पब्लिक टॉयलेट गई हूँ किसी मॉल में, मैंने देखा है कि हम हाथ धोने गए हैं, तीन फिलिपिनो जो होती है ना खड़ी दांत ब्रश कर रही होती है, दोपहर सुबह रात लेट नाइट मैंने उनको बाथरूम में दांत ब्रश करते हुए देखा, दिन में पता नहीं कितनी दफा वो दांत ब्रश करती है। अब सी बिकॉज दे एज ए नेशन वो एक कॉम है जो कॉन्शियस है कि मुंह से बदबू नहीं आनी, उनके बस वो घुट्टी में है, और वो मुझे उन्होंने बताया कि एक हाथ धोना और एक आए बदबू, मैंने पूछा, मैंने कहा यार नहीं स्मेल नहीं आती इतनी, लेकिन लेकिन मैं वैसे ही कह रही हूँ कि उनको सिखाया हुआ है कि भाई अगर आप सेल्स में हैं या किसी काम में आप जब बात करते हैं मुंह से बदबू नहीं आनी चाहिए, तो मैंने इतना देखा है कि वो हर दो घंटे के बाद हर एक के बैग में टूथपेस्ट टूथब्रश लगी होती है, सर्विस इंडस्ट्री में ये अच्छी चीज है, आप बहुत सारे लोग च्युइंगम रख लेते हैं, ओचा वाली देसी टोटका है वो अपना सौंफ खा ली, इलायची खा ली, बिल्कुल ये कुछ भी, अगर आपको लगता है ऐसा है, बात ये कि कॉन्शियस, तो हमारे अंदर, हमारे तो दीन में भी है सफाई, हम कितने कॉन्शियस हैं, हमारे अंदर ऐसी कौन सी आदत है कि भाई सवाई मुस्लिम शावर के कि हम मतलब हमें ख्याल ही करना है सफाई का, अच्छा रोजा एज ए नेशन हम सब में, क्या हम बहुत बाकायदगी से हाथ धोते हैं? नहीं, नहीं। क्या हम बहुत बाकायदगी से शावर लेते हैं? नहीं। हमें भी करना पड़ेगा। आज हमारे गेस्ट कौन है? स्मेल तो नहीं मुझसे आ रही है और किसी को मैं अज़ियत तो नहीं दे रहा हूँ या दे रही हूँ, और कोई अगर आपको कह दे तो माइंड ना करें, एजाज माइंड नहीं करना चाहिए, कोई कहा नहीं अल्लाह का शुक्र है किसी, नहीं मैं कैसे कहे, मैं वैसे कह रही हूँ माइंड नहीं करना चाहिए, या अगर कोई कह दे तो आप कहें ओके मैं ख्याल रखूंगा, नहीं कोई कहे तो आपको फिर आपको बल्कि ज्यादा कॉन्शियस होना चाहिए, उसका नोटिस लेना चाहिए कि यार क्यों कहा, किसी को कैसे कहे, किसी को कैसे बताओ, आपको पोलाइटली ये करना चाहिए कि ये डिओडोरेंट है बड़ा अच्छा है, मैंने अभी लिया है, आप भी इस्तेमाल करें बहुत अच्छा है, पोलाइट वे में, मैंने तो इस तरह किया है तीन चार लोगों को, छोटा एक मिनी रखता हूँ वो दे देता हूँ, ये रखें यार ये बड़ा अच्छा है, बट 24 आवर्स इसका जो है ना, जिसके कपड़ों से स्मेल आए, जराबों से आपके आए, रोज कपड़े धोना कितना मुश्किल है, मेरे लिए भी मुश्किल होती है, तुम्हें भी मुश्किल होती है, लेकिन धोया करो अच्छा है, मैं बोल देता हूँ वैसे, है ना, हाँ स्पेशली जुराबों वाली तो नहीं होती। ओए, जो बच्चों के जब वो जूते उतारते हैं, मम्मी आ गया मैं खेल के, उसके बाद
जो हम अक्कड़ होते हैं और जो गंदी स्मेल आती है उसका तो जवाब ही नहीं है, अपना बच्चा जहर लगने लगता है। बच्चे थोड़े जब बड़े हो जाते हैं ना, जो बाहर जाके खेलने लगते हैं 12-13 साल की उम्र, जैसे आपके बच्चों के पैर और सॉक्स से स्मेल आए समझे, बस अब वो उसकी मासूमियत खत्म है, बच्चा बच्चा नहीं रहा। कोशिश करें देर से आए। हाँ बिल्कुल। और वो ख्याल आज गेस्ट कौन है ना जी, आई कितनी गंदी गंदी बातें कर रहे हैं जब इतने प्यारे प्यारे गेस्ट आए हैं। दांत ब्रश की तरह ना ब्रश कर लें और हाँ इंट्रोड्यूस कराएंगे अपने गेस्ट को। बहुत ही प्यारी हैं, बहुत मजे की हैं, लाइवली हैं। एक को तो मैं बहुत अच्छा जानती हूँ, दूसरी को मैं कम जानती हूँ। दूसरी भी बड़ी लाइवली हैं, तुम्हारी इंटरेक्शन कम है, लेकिन मैंने ड्रामे किए हैं उनके साथ। बड़ी अच्छी एक्टर हैं, कम काम करती हैं लेकिन बड़ा अच्छा करती हैं और काफ़ी अरसे से कर रही हैं। मुझे सीरियस लगती है। हाँ सीरियस लगती है लेकिन है, शी इज़ वेरी यू नो, जब आप जान पहचान हो जाती है जब आप सेट पे काम कर रहे होते हैं तो फिर शी इज़ वेरी लाइवली और बहुत कोई वो नहीं, एटीट्यूड नहीं है। बड़े अरसे से हालांकि काम करी है और बड़ा अच्छा अच्छा काम किया। और जो दूसरी हैं जो मेरी सहेलियाँ, हाँ क्या बात है उनकी, चुलबुली है। ओहो हो जबरदस्त। और वो मतलब जब शो पे आती है ना, ब्लैक कॉफी का कप जो है ना वो खत्म नहीं होना चाहिए, रीफिल करते रहे। मैं दुबई में उसको देखा, मैंने कहा आए फट जाओगी, लेकिन वो तो आज भी अभी आई है तो वो कह रही थी कि अफ्तारी के बाद मैंने ब्लैक कॉफी पीनी, तो वैसी है। बट बहुत क्यूट है, आप ड्रामा में इनको देखते हैं, शायद ही कोई ड्रामा हो इसमें वो ना हो। और उनका एक बहुत ही माचीसीला शो आता था जिसमें आग और माचिस होती थी, रिमेम्बर? आग लगाती थी और फिर उसके बाद वो बड़े मजेदार, बहुत एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट था। और अब ऐसे पर्सनालिटी और स्टाइल में कुछ चेंज आया है, बिल्कुल, क्या बात है, कमाल की एक्ट्रेस है। तो दोनों से आपको मिलाएंगे, मजा आएगा, कहीं नहीं जाइएगा, बस एक शॉर्ट ब्रेक लेके फौरन वापस आ रहे हैं क्योंकि लाइव ग्रीन है। वेलकम बैक, लाइव ग्रीन है। नादिया हंसा रही हैं बहुत देर से, अपने वो एक्शन दे दे के हंसा रही हैं ताकि एनर्जी आए, मूड बने। हमारे साथ हमारे खूबसूरत गेस्ट आ चुके हैं, दोनों हसीन खवातीन, ज़ैनब कयूम, सुंबुल इकबाल। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? रमज़ान कैसा गुजर रहा है? बहुत अच्छा, और आप लोगों का शो बहुत अच्छा है और आप दोनों बहुत अच्छा शो कर रहे हैं। थैंक यू, बहुत वायरल हुआ है, हर वायरल क्या हो रहा है? नो इन अ गुड वे, इन अ गुड वे, बहुत अच्छा लगता है। आपने इतना अच्छा बोला इंट्रो, इसके ना इंट्रो को माइनस कर दें, डिलीट कर दें। दोबारा मैं कहती हूँ जी, हमारे शो पे क्या बात है, दी अमेजिंग एवरग्रीन जी क्यू, जो कि आपको हर ड्रामे में नजर आती हैं और कमाल लगती हैं, और साथ में हमारी आह प्यारी दुलारी क्यूटी पाई सुमल इकबाल। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अब अभी दोनों ऐसे करते हैं तीनों, इससे बड़ी एनर्जी आती है, बड़ा एक मूड बनता है। नहीं ये मैं सीन से पहले कभी कभार रिक्वेस्ट करती हूँ डायरेक्टर को कि प्लीज फेक लॉक्टर कर ले हम। हाँ, मजा आता है, मूड बना। एक्शन बोले ना डायरेक्टर तो हम कर दिखाते हैं। असफर प्लीज हम एक्शन कीजिएगा, हम ये वाला करेंगे चारों ना, इसे आप घर में करके देखें, डाउन हो ना तो ये करें आप, सेल्फी से पहले संबल प्लीज हाथ हिलाना, सिर्फ एक हाथ हिलता है तुम्हारा हाथ ना, ऐसे करो, सुंबल ने हाथ ऐसे रखा हुआ कि जैसे भी ये नहीं चल नहीं रहा, सुंबल ऐसे करेगी, मैं अभी ये लेफ्ट से करना, चलो ठीक है लेफ्ट से करो, ये लेफ्ट ही हो फिर तो बनता है, 1 2 3 एक्शन के नसफर। तो ये आ गई अब। ड्रामों में ऐसे कितना हंसना पड़ता है, ये फेक वाला होता है ऐसे? देखिए होता है ना ऐसे ड्रामों में? नहीं नहीं, अब नहीं होता तो डायरेक्टर्स देखते हैं कि क्या हो गया जी, तो मैं कहती हूँ नहीं वो वैसे छोटी छोटी खुशियां, ये कीजिए सीन शुरू होना और आप लोग ड्रॉइंग रूम में आप हंस रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, सो होलसम एंड सो रियल, यही होता है ना। ऐसा अजीब नहीं लगता कि एकदम शुरू हुए आके बैठे एकदम हंसते हुए स्टार्ट हो गया सीन? नहीं बड़ा अच्छा, बल्कि आप एकदम से डाइव इनटू डीप एंड हो जाते हैं, बल्कि कभी कभी आप किसी ऐसे मूड में होते हैं और आपका मूड चेंज हो जाता है। हाँ। मुझे तो अच्छा लगता है, अच्छा होता है एकदम ऐसे, सुंबल अभी सीन शुरू हो रहा है बस हंसते हुए, बहुत दफा हुआ है। हाँ ये अक्सर होता है, ये तो बहुत होता है। नादिया तुम इस तरह से पूछो जैसे तुमने एक अभी एक्टिंग नहीं की, हसीना मोइन की एक्ट्रेस हो, क्या हो गया हीरोइन हो, वो तो आप भी है। हाँ क्या बात है, ये कैसा बैज है ना जो आप माथे पे आप सजा के घूमते हैं सारी जिंदगी। बिल्कुल अल्लाह। ज़ैनब कयूम जी क्यू कैसे हुआ ये? भाई मैं कराची कॉन्वेंट में थी तो सारी मेरी दोस्तें तो लाहौर में थी, पैदा यहाँ हुई हूँ, ओ लेवल्स यहाँ से किया, तो जेड क्यू कहते थे वही, उनमें से 4-5 मेरी दोस्तें लाहौर के नेट कॉलेज गई, तो वहाँ पे वो जरा अमेरिकन ज्यादा, हम लोग जरा ब्रिटिश थे, तो उन्होंने कहा ये जेड क्यू क्या होता है, जी क्यू बस। मगर आज तक शेरू और विनी अभी तक कहते हैं जेड क्यू, जेड क्या उनको भी तो शेरू और विनी ही कहते हैं। स्कूल में जेड ही सीखा था, जी हो गया, अब तो सब कुछ ही चेंज हो गया ना।
अमेरिकनाइज्ड हो गया ना, हाँ 2.0 अपडेट सबको चाहिए। क्या बात है सुमल, तुम बता इतनी प्यारी लग रही, तुम्हारा फेस ना कुछ ज्यादा प्यारा हो गया, क्या वजह है? कुछ नहीं कराया, कभी कुछ नहीं करवाया, अब ग्लो। और ये हमेशा से ऐसी है? हाँ ये हमेशा से ऐसी है। मैं यारी बहुत टाइम ऐसे उससे ऐसे पूछ रही हूं, मैं पाल पोस कर रखा नहीं, पता है क्या है? नहीं मैंने शुरू में बिल्कुल जब सुंबल नई नई आई थी उस वक्त सुंबल के साथ काम किया। आई हैव सीन हर वर्क एंड आई रियली लाइक हर एक्टिंग। और इत्तेफाक की बात है कि हमारी कभी मुलाकात ही नहीं हुई, मगर आज मैं इसको ऐसे मिली। हाय सीरियसली वी नेवर वर्क टुगेदर। नहीं ना, मेरा सवाल इसमें वही रह गया, सॉरी। मैं पता क्यों, सॉरी, फिर नीचे कमेंट्स आएंगे कि आंटी बहुत बोलती है। चलो भाई सुबह हो गई, मेरा रह गया वो। पता सवाल शुरू हुआ वो मैं क्यों उसको कह रही थी, मैं इसलिए कह रही थी कि तुम्हारे कुछ शूट्स आए हुए हैं बड़े अच्छे, बड़े मॉडर्न, बड़े प्यारे, और उसमें भी कहा हुआ है कि सुंबल इन अ न्यू लुक। तो ये कोई इंटेंशनल है कुछ न्यू लुक? लुक्स पे तो मुझे लुक्स क्रिएट करने का बहुत शौक है। मुझे हमेशा ये होता है कि मैं कोई ना कुछ डिफरेंट करूँ, वो चाहे फोटोशूट में हो या नॉर्मल लाइफ में हो। तो मैं अक्सर अपने फैंस से पिक्चर्स भी शेयर करती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है कि डिफरेंट लुक्स में ट्राई। हाँ कुछ अभी नया कुछ चल रहा है ना, बालों का, ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते अपनी लुक्स पे। तो ये है कि नॉर्मल लाइफ में आप अपनी पर्सनालिटी लुक कह लें उसको, और आई थिंक करना भी चाहिए इंसान को। इंसान को एक जगह स्टॉप नहीं करना चाहिए लाइफ में, अपने आप को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश हमेशा रहनी चाहिए। बिल्कुल जी, क्यों आपकी कुछ नहीं, रोल्स की वजह से स्टक हो गई हो बालों की लेंथ में, आप एक कलर में? पांच अगर प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं तो आप कंटिन्यूटी में, वो तो मतलब डायरेक्टर कहेगा कि आपने क्या कर दिया। बिल्कुल, तो हम वो फिर आपको वेट करना होता है कि आपके सारे प्रोजेक्ट्स आप जब नए शुरू करें तो फिर आप कुछ कर सकते हैं ना। और आदमियों की कंटिन्यूटी क्या फंसती है, आपने किसी प्रोजेक्ट में दाढ़ी रख ली, दाढ़ी उफ एंड मूछ, या मूछ रख ली, उसके बाद वो प्रोजेक्ट अगर लंबा हो गया तो गए भाई, फिर आप दूसरा ड्रामा आपने साइन कर लिया उसमें भी वही लुक करनी है। मैं अभी फंसा था, मैंने जो फना चल रहा है उसमें दाढ़ी बड़ी थी, तो वो थोड़ा सा प्रोलॉन्ग हुआ, डेट्स आगे पीछे हो गई, दूसरा ड्रामा शुरू होना था वो खुमार। तो अब खुमार में एडजस्ट करना उसको, तो मैं फिर जेल वेल लगा के उसको बिठाता था, पूरा यूं करता था, और फना में जाके खोल देता था। और सबसे फनी सीन ये होता है कि जब कभी आपका ड्रामे की ड्यूरेशन ज्यादा हो जाए शूट्स की, तो कभी आपने वेट पुट ऑन किया हुआ है, कभी आपने लूज किया है, तो आप कभी दरवाजे से बाहर आ रहे हैं तो आप मोटे हैं, अंदर जा रहे हैं। दरवाजे में फंस गए, ये हमने देखा है, और इतना वेट बढ़ गया कि दरवाजे में। हाँ क्या ये सब तुम कह सकते हो, कुछ ड्रामे में वाकई लगता है कि हीरोइन अभी तो पतली थी, सीन में अगले सीन में आप यू लुक हैवियर, अभी तो फिर पतली हो गई, ये ज्यादा हो गई, ये क्यों? यही टाइम तभी होता है जब शूटिंग सीन्स कुछ आपके लास्ट वाले पहले हो जाएंगे, फिर उस तरह से इट्स नॉट लाइक प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो प्रोलॉन्ग हो जाते हैं। ऐसा हुआ ऐसे कभी? बिल्कुल हुआ है। क्या किया? कुछ नहीं कर सकते आप, क्योंकि वो सीन आपका जून में रिकॉर्ड हुआ और उसका अंदर आकर ड्राइंग रूम का सीन रिकॉर्ड हो रहा है, वो नवंबर में हो रहा है, यू कांट हेल्प इट, लाइक कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ चेंज देखो ना, कुछ हॉलीवुड वगैरह में जब आपसे मूवी कराते हैं जितना भी टाइम लगे उसमें कॉन्ट्रैक्ट में होता है कि ये वजन है एक पाउंड बढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन वो पैसे भी वैसे ही मिलते हैं। आप विंटर के कपड़े पहने होते हैं वो आप गर्मी में शूट करवा रहे हैं, ये वाली चीज तो बहुत पेनफुल होती है ना, कि आपने नवंबर में शुरू किया शॉल्स और उसके बाद फिर आप जब जून में वो शॉल्स पहनती तो उफ देर लगती है। वो मैं कर रहा हूं अभी ऐसा एक काम, उफ स्वेटर पहन लिए, जैकेट्स पहन ली, लेदर की पहननी पड़ेगी, और अब वो चलेगा मई जून तक, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या इसको ना बहुत क्या कहते हैं वो दाने निकलते कम हो गया रमजान में, तो वो पाउडर दे देते हैं, दाने निकलते हैं जिसमें बहुत ज्यादा है ना, क्लीट पाउडर, दो चार दवाइयां लिख के देती हूं, पाउडर पड़ने जरूरत पड़ेगी, चढ़ बन जाएगा, नहीं नहीं कुछ हाइजीन की बात जरूरत पड़ेगी भाई, पाउडर की भी, क्रीम की भी, एंटी एलर्जी की भी। नहीं मैं वो तुम्हारी वाली टेक्निक करूंगा आगे मुंह तो ठंडा रहे, गर्मी लग रही हो ना या प्यास लग रही हो रोजे में, ऐसे ना जबान को रोल करके ना तेजी से अंदर सांस लेते, ट्राई कर, गर्मी लगी तो पंखा कर लो, और शहरी में अगर दही खाओगे तो कभी प्यास नहीं लगेगी, अल्हम्दुलिल्लाह। आउटडोर शूटिंग भी कर रही हो तो मैं ऐसे मुंह बिगाड़ रही हूँ? हाँ ना वाकई, वैसे नहीं कभी कभी दही नहीं मिलती ना, तो क्या जब प्यास भाई लेने जाते ना कभी दही नहीं मिलती है। ये क्यों, माचिस, माचिस का बताओ, वो एक बड़ा ट्रेंड सेटर था वो शो। माचिस एक जेरी स्प्रिंगर इंस्पायर्ड शो था, लेकिन इट वाज टेलर मेड फॉर द सब कॉन्टिनेंट। किस किन सालों में था ये? हाँ साल बताओ ये जिसमें आता था। पता नहीं 1975 के बाद था क्योंकि तब मैं पैदा हुई थी, लेकिन आगे मुझे नहीं पता, बट हमने पांच सीजन किए थे 2002 में था, इस तरह 2000 में था, बहुत कमाल शो था और बहुत लाउड और एनर्जी वाला। हाँ मैं कुछ भी नहीं, जो ZQ की एनर्जी, मीडिया नादिया ज्यादा एक्टिव नहीं था, वरना तो बहुत चीजें निकल, बहुत ज्यादा सही सोचो उस जमाने में, ये ट्रोलिंग, ये वीडियोस और ये होता, आए शुक्र नहीं है
उसमें सबसे जीप केस क्या था, बहुत ही जो खतरनाक हो गया आज तक याद नहीं, मगर बट लाइक स्लाइटली सीरियस साइड द थिंग इज कि कुछ ऐसे लेटर्स आते थे जो हम नहीं कर सकते थे, बहुत भयानक चीज़ें भी थी, लेकिन फनी वियर्ड सारी कुछ ना कुछ सब घरेलू प्रॉब्लम्स थे हमेशा। तो असली को लड़ने लग गया, कोई हाथापाई हो गई हो किसी ने, मैं वॉकआउट हो गई थी एक दफ़ा क्योंकि मुझे इतना गुस्सा आ गया था जो बेटों ने, क्योंकि वो बेचारे ज़ईफ़ से बाप थे कि यू नो सब मेरा कुछ ले लें लेकिन मेरा ख्याल रखें, वो कहते नहीं नहीं हिस्सा करेंगे वो, मेरा तो दिल चाहता था मैं गुलदान उठाऊं। इसमें इस शो में क्या होता था, घर के जिनके फड्डे होते थे एक्चुअल फैमिली मेंबर्स वहां आते थे सुलझाने, और कभी कभी फड्डा और बड़ा हो जाता, सुलझाने कभी नहीं कोई आता, कभी कोई सॉल्व नहीं हुआ, नहीं मगर केसेस बहुत जेन्युइन थे। हाँ, और ये बात थी। हाँ, इट वाज अ लॉट ऑफ फन, और डायरेक्टर ने खुली छूट दी हुई थी ना कि हम लोग नॉन स्टॉप सिर्फ पसीना ब्रेक या पानी ब्रेक होता था, वरना हम बिल्कुल नॉन स्टॉप चले, बल्कि वो सारे कैमरा मैन कर रहे होते थे कि ब्रेक पे जाना है बहन अब कर लें। सही बात है, सुमन तुम बहुत कम शोज में आती हो, क्या वजह है? हाँ, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं ज्यादा इंटरव्यूज पे नहीं जाती। ड्रामे भी कम करती है सुमन, ड्रामे अब थोड़े अरसे से कम किए हैं क्योंकि मुझे लगा कि लाइक अगर 2-2.5 साल पहले की बात की जाए तो मैं बहुत ज़्यादा काम कर रही थी और मुझे खुद को लगा कि ये बहुत ज़्यादा हो गया, लाइक अगर 8 PM का कोई एक प्ले चल रहा है मेरा तो दूसरे चैनल पे भी चल रहा है, तो मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो गया है। तो फिर मुझे लगा कि नहीं अब थोड़ा करना चाहिए, मगर अब ये है कि वो थोड़ा होता नहीं है, अब जब करना शुरू किया तो वो फिर वही लाइक जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो इस तरह की अच्छा स्क्रिप्ट आ जाए तो फिर आप यू कांट यस, तो फिर आप कह ही नहीं सकते ना। अच्छा, लेकिन कभी होता है कि शो से तंग भी होती हो कि यार ये ऐसा शो ना हो, या कैसा बोर हो रही हूँ या मैं अनकंफर्टेबल हो रही हूँ, तो कैसे शो से भागती हो या होस्ट से? होस्ट से तो नहीं भागती मैं, लेकिन बस पता नहीं कभी ऐसा हुआ नहीं कि बहुत ज़्यादा शोज़ पर जाऊँ, लेकिन हाँ अपने फैंस के साथ या दोस्तों के साथ इंटरेक्ट सोशल मीडिया पर ज़्यादा रखती हूँ, मैं ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ अपने इंस्टाग्राम पे या अपने फेसबुक पे, तो उससे उनको सारी अपडेट्स। अरे मैं घबराती हूँ दूसरे के शोज पे जाते हुए, हाँ कोई कभी कभी इतनी कोई अजीब चीज निकल आती है, मैं कहती हैं ये कहाँ से आया, तो मैं यहाँ भी जो चर्चा पहले भी एक हाँ वो माशाल्लाह सही है, सेफ है वो, दे आर इन गुड हैंड्स, लेकिन कुछ बाकी लगता है कि इतनी स्पेशली लाइव शोज पे कुछ कोई ऐसे फजूल बात पॉलिटिकल स्पेशली कोई कर देता है कि आप कहते हैं, मैं उससे बड़ा घबराती हूँ, वैसे तो मिलने का वक्त नहीं है तो चलो यही हमारी गेट टुगेदर होगी। मुझे भी बड़ी खुशी कुछ अरसे से मैं इसको ZQ को क्योंकि माचिस का वो सारा एक इमेज नहीं भूलता, फिर वो अली जफर के गाने का जिसमें आज भी आप जरा YouTube पे रंगीन है तू रंगो से भी ज्यादा, उसमें आप आई लव इट, इतनी स्टनिंग इतनी ग्लैमरस डीवा मैंने नहीं देखी, थैंक यू सो मच। मैंने तो रैंप भी शेयर किया हुआ है ऐसे बैठ, इसमें ये ऐसे बैठी और इसने जो ऐसे दैट लुक दैट पोस्चर ऑल डायरेक्टर एहसन रहीम, बॉडी तो तुम्हारी थी ना। हाँ, मगर वो उन्होंने बताया था कि क्या करना है, कोई बता भी दे मुझे 10 लोग बता दे मैं ऐसे नहीं बैठ सकती, इट इज द पर्सन, थैंक यू जी, तो वो जो पर्सन है तो वो क्या ग्लैमर वो हो क्या देखिएगा। तो मॉडलिंग करती थी जब, और रैंप हमने कितनी दफ़ा हमने तो शो स्टॉपर भी किए और हमने बहुत शोज किए हैं, ZQ मैं एरज आमना हक विनी आमना बीबी ओ ये सारी लॉट होती थी उसमें, वेरी प्रोफेशनल क्लासी। लेकिन ZQ मॉडलिंग से एक्टिंग में बहुत कम लोग आए क्योंकि मॉडलिंग जब आप करते हैं तो वो एक जरा बर्गर सा क्राउड होता है लिमिटेड, उसमें आप रहते हैं, सो व्हेन यू कम इनटू टीवी टेलीविजन एकदम मैसेस में आप आ जाते हैं, आप बिल्कुल पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाते हैं, सो उसमें जो ट्रांजिशन होती है वो मेरे ख्याल में विनी ने की। हाँ, और बहुत सालों बाद ZQ ने की। विनी और अदनान ने मुझे कहा कि तुम कब तक ये मॉडलिंग, अब अल्लाह के वास्ते कुछ कर लो तुम ड्रामों की तरफ, अब बिल्कुल बहुत बुरी एक्टिंग थी मेरी, आवाज इस तरह से होती थी कि अगर मैंने चीखना होता मैं कहती थी अब्बू के अलावा, पहली दफा तो वो मरीना ने टॉक पैक भूल गई बंद करना, फिर वो मैंने फुल मैंने पकाया सीन और के ना अब्बू बेहोश नीचे पड़े हैं, बद्दो ने उनको अरशद महमूद सर को पॉइजन करे तो वो मैं पका कर असल आंसू ग्लिसरिन नहीं लूंगी आकर का अब्बू तो बहुत बेइज्जती हुई विद टाइम मॉडलिंग में तो कुछ चीखना वीखने का सीन ही नहीं ना, बंद
आपका यहाँ जो भी है। और फिर वो भी होता है ना मॉडल को कि भाई ग्लैमरस शक्ल ना खराब आए, वो कॉन्शियसनेस भी होती है। नहीं बल्कि मैं चाहती थी कि रियल हूँ, तो वो कहते थे नहीं नहीं आपकी ये तीवरियाँ ये नहीं करें, आप रोए मगर प्यारी तरीके से रोए। देखो ऐसी पगली अजीब बातें कर रही है, बहुत जोकी है ये। माँ बनना शुरू कर दिया, हर माँ का रोल, हर माँ अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़ी जल्दी, और एक नीश माँ। एक दिन ना नादिया में जीक्यू से मिला, तो जीक्यू से मैंने कहा तुम अभी से इतनी बड़ी बड़ी मम्मी, कहने लगी मुझे तो तुम्हारी माँ का रोल मिलेगा, मैं वो भी कर लूँ। और उसके एक महीने के बाद मुझे एजाज ने आइस प्रोडक्शन के लिए फोन किया, अपनी प्रोडक्शन के लिए, अपनी माँ के लिए, तुम्हारी या हमायों की माँ? कहते फैसल की माँ, फैसल कुरैशी की अम्मी मैं बन चुकी हुई हूँ हालिश में। ये भी हमने, कैसा लगता है कि जो बच्चे हैं अपने से 2-3 साल छोटे हों, नहीं या कुछ अपने से बड़े हों, आपके लिए अल्टीमेट चैलेंज है एज एन एक्टर, आपने अपने आप को बिल्कुल मनफी कर देना है। तो इसलिए मुझे तो बहुत, मेरे फेवरेट इसी तरह के हैं कि बिल्कुल हटके, ना मैं इतनी महान एक्टर नहीं हूँ यार, ये पैशन है जो एजाज में है। मुझे रोल अच्छा होना चाहिए बस, फिर मदर एंड प्राउड। या मेरा हैशटैग है ZQ बच्चा स्क्वाड। हर दफा नई नकली जो प्ले किया था फर्स्ट, वो मैंने किया था व्हेन आई वाज 18, और उसमें मैं कवि अंकल की वाइफ बनी थी, और वो प्रोजेक्ट बहुत बहुत हिट हुआ था, वो इन सर का और वो आई थिंक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड था कि जिसमें बुजुर्ग के साथ छोटी बच्ची की शादी होती है, फर्स्ट ट्रेंड सेटिंग था। आपने वहीं से जो है ट्रेंड खराब किया, वही सबा हमीद वाला दम थी वो, क्या बात कर रही थी जी, बिल्कुल ये अभी तक याद है, बहुत कमाल था, हिट हुआ तो उसके बाद सारे वैसे छपने शुरू हो गए ड्रामे, है ना? ऐसे ही बल तुम ही थी। इवन दो जो चाइल्ड अब्यूज पे फर्स्ट प्रोजेक्ट बना था वो मैंने ही किया था, उसका नाम था रोग, जो मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था, जहाँ से मुझे लोगों ने रिकॉग्नाइज किया था एज एन एक्ट्रेस कि मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं इस तरह कैरेक्टर्स भी कर सकती हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर मैंने अपने आप को मनवाया, तो मैंने मेरे ख्वाब रिजा रिजा के बाद रोक से अपने आप को मनवाया, मुझे बड़ा हिट था, बहुत वो बिग हिट था उसमें, बुरी औरत भी, यस, मगर तब तक लोग रिकग्नाइज नहीं कर रहे थे बुरी औरत में, नहीं। उसके बाद मैंने किया मेरे ख्वाब रिजा रिजा एंड देन रोक, ये दो ने मेरी लाइफ को बिल्कुल, घर वालों ने कहा नहीं कैसे ड्रामा कर रही हो तुम बुरी औरत, क्योंकि मैंने भी जब मैं दुबई में एकदम मैंने प्रोमो देखा ना बुरी औरत में, है ये क्या बात हुई, फिर मारिया आई, फिर ये आई, मैं कहती प्यारी प्यारी लड़कियां, और वो नाम एक्चुअली फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड के, इतना करख्त नाम था, मैंने किसी ड्रामा अगर वही आई थिंक हुक था कि देख रहा है इसका क्या मतलब, और उसका कमेंट भी साहब ने जैसे बोला ना बड़े औरत, तो वो और बुरा लगा बिल्कुल, उस कंटेंट ऐसा था कि वो के औरत अपने राइट्स पे बोल सके और माशरा उसको एक्सेप्ट नहीं करता खाना खा रहे हो और वो आके फौरन से आके हाथ पकड़ के खड़ी आपको खड़ा करती है, कहती है हाँ बताएं आप पिक्चर बनवाएंगे हमारे साथ, कोई कर्टेसी नहीं होती, कुछ नहीं होता, आपको बस आपका हाथ पकड़ती है, कहती है आए जरा पिक्चर बनवाएं, वो थोड़ा मुझे भी वो जरा एक्साइटेड फैंस होते हैं, कम कम होते हैं, आई फॉरगिव ऑल ऑफ देम बिकॉज़ आई फील कि वो इतना एक्साइटेड और प्यार आपको दे रहे हैं, एक्साइटमेंट में होता है, दिस इज व्हाई वी वर्क, दिस इज व्हाई वी डू व्हाट वी, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप यही थोड़ा सा बाउंड थोड़ा पूछ लें कि आप आएंगी प्लीज, मोस्टली 80% इतना काफी है, आस्क और थैंक यू करना चाहिए, मुझे लगता है कि एंड में एक शुक्रिया या थैंक यू या एक बात जरूरी है, वरना वो गिफ्ट दे दें, हाँ वो आते हैं हाय सिंपल आए सिंपल आए प्लीज मैं आपसे पिक्चर लेनी है सेल्फी, और ये ली चमचा जा रहे ऐसा लिया, और ये नहीं कितना ऑकवर्ड लगता है जी, हाय सिंपल प्लीज प्लीज स्माइल करें, इधर देखें एक एक और एक तुम बनाओ एक सेकंड दो और प्लीज, मेरी भी वो भी आ रही बच्ची उसके साथ भी बना के, नहीं उसके बाद दूसरा एक्टर साथ बैठा हो तो वहां डायरेक्ट चले जाते हैं, मगर द बेस्ट थिंग इज कि आजकल के जो बच्चे हैं चाहे जो भी हैं उनके जो फिल्टर्स हैं, मैं इतनी अच्छी सेल्फी नहीं लेती, जब वो लेते ना तो वो क्या क्या मैं कहती हूँ ओ माय गॉड ये कौन है, ये सही बात है, आर सो लाइक ऑसम। शादी का क्या प्लान, कब करें? चेन्नई पहले टॉस करते हैं, सुंबल तुम बताओ। शादी बिल्कुल करनी है, और शादी के लिए एक अच्छा इंसान चाहिए, अच्छा ये नहीं कि बहुत दिखने में अच्छा हो, और क्राइटेरिया क्या है? आई थिंक शादी के लिए आपको अच्छा पार्टनर चाहिए होता है, और आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है कि आपको अपनी पूरी ज़िंदगी उसके साथ गुजारनी है, तो पहली चीज़ तो ये कि वो आपका एक अच्छा दोस्त हो सबसे पहले,
फिर आपका माइंड एक दूसरे से मिलता हो, आपकी नेचर मिलती हो, देन आप डिसाइड करते हैं कि हाँ अब मुझे लगता है कि ये मेरे लिए बेहतर है और मैं इसके लिए बेहतर हूँ और हम साथ चल सकते हैं। कभी-कभी सरप्राइज भी तो गिफ्ट होना चाहिए ना, ऐसे पता चला ओ, अगर बहुत से लोग होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, लोग कहते हैं यार इससे अच्छा तुम्हें कोई मिलेगा ही नहीं, प्लीज कर लो। कैसे कर लूँ भाई, वो मेरा, उसको मेरी बात ही समझ में नहीं आती, मैं कैसे शादी कर सकती हूँ ऐसे इंसान से जिसको समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं क्या कह रही हूँ। अब आप दिन को रात और रात को दिन कह रहे हैं, इतना लाइफ नहीं चल सकती। समझ क्यों नहीं आ रहा उसको क्या बात कर, क्योंकि आपकी अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच है। अब समझाया नहीं उसे तुमने, समझाया नहीं, कोशिश नहीं, जबरदस्ती की चीजें नहीं चलती लाइफ में। लाइफ में आपका जरूरी है कि दोनों लोग एक पेज पे साथ खड़े हों और दोनों सीरियस हों कि हाँ हमें चलना है, ये 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 फायदा नहीं है, फिर वो चीज लॉन्ग टर्म शादी क्यों कर रहे हैं, मगर हर बसाने के लिए है नसीब। ये बिल्कुल, मतलब आप प्लान कर लो कुछ भी, मतलब कि पेपर के ऊपर सब कुछ 1 2 3, लेकिन जो किस्मत में है वो फिर आगे जाकर रंग सही वाले कभी कभार होता है। ये कि आपको एक सेटिस्फेक्शन होती है, आपने खुद तो ट्राई किया 100% अपना, एटलीस्ट कोई रिग्रेट ना हो, और डर भी होता है कि यार कोई ब्लंडर ना मार दें, कि बाकी आपको कोई रेड फ्लैग ना हो, आपको मुतमईन हो। लेकिन मेरा और फैसल का तो बहुत ही सरप्राइज मैरिज थी, हमें पता ही नहीं था कि भाई डब्बे में से क्या निकलना है। But that's कभी, amazing, ना, कभी, कभी होता है, छोड़ अरे and yeah, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि आप, और वो इसमें मुझे लगता है कि शायद दूसरे लोग बेहतर आपको देख रहे होते हैं कि नहीं यार ये आप लोगों का अच्छा मैच है, और वो खुद मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ जज, तो दूसरे जो रिश्ता करते हैं ना, जो करा रहे होते हैं, उनको ज्यादा अच्छा नजर आ रहा होता है, दे वेरी स्मार्ट। टाइम सेट कर लो, उसके बाद मैं और इजाज़ देख लेंगे, हमें वैसे ही 32 रिश्ते तो हैं पाइपलाइन में। अच्छा कितनों के कराया आपने? एक भी नहीं, एक भी नहीं, क्यों नहीं करवाया आपने? भाई मैं फंस गए, भूल जाती है, मैं फंस गए। तुम बताओ जी क्यों, यू आर इंटरेस्टेड? मैंने तो अल्लाह पे छोड़ दिया है। बता, द ओल्डर यू गेट योर मोस्ट सेट इन योर, आपकी जो हैबिट्स हैं और सब कुछ, तो काफ़ी मुश्किल है, तो कोई बस फिर कोई मौजा ही होगा। हाँ कहते नहीं कि मुझे आदत होगी, मैं बाथरूम नहीं शेयर कर सकती। अच्छा, हमारे जो शोबिज़ में होता ये भी है कि एक्टर्स जो हैं, एक्ट्रेसेस जो हैं, जो सब इतना बिजी होते हैं अपने काम में, किसी को जाहिर है किसी के साथ आपको टाइम गुजारना, समझने के लिए वक्त देना पड़ता है, तो वो वक्त जो है वो काम में जा रहा होता है सारा, वो आप राइट टाइम का वेट करते करते ना वो बहुत टाइम निकल जाता है, तो उसमें अपॉर्चुनिटी आती है। लगता नहीं लोनलीनेस नहीं होती, बच्चे नहीं मिस करती पार्टनर? देखो अगर मैं मिस करूं भी तो फ़ायदा अगर नहीं है ना किस्मत में, तो फिर मैं ऐसी चीज़ पे अपना दिन क्यों ख़राब करूं? मैं अल्लाह से बात करती हूं, एक्टिंग करती हूं, बचाए लव, अच्छे मज़े मज़े के डिफरेंट सेट्स पे लोग मिलते हैं, एंड आई एम हैप्पी वन डे एट अ टाइम। लेकिन मुझे लगता है ZQ वुड बी द बेस्ट पार्टनर इन वाइफ फॉर अ लकी मैन। तो वो अब ये बात तो है। वो ना खैरुल माकरी, तो इसलिए ये मेरी टेंशन का नहीं है, ये मेरा डिपार्टमेंट ही नहीं है। जिनको होता ना मेरी बेगम जरा ऐसी ना ड्राई नेचर की ना हो, हंसमुख हो, मजेदार, शरारतें करती रहे, उछलती रहे इधर से इधर, इधर से इधर, ये ZQ वो है। ये तो वो खरगोश वाली वो फिल्टर याद आ गया। नहीं, एक तो इसकी एनर्जी, ऊपर से ब्लैक कॉफी की ऐसी शौकीन, एक के बाद एक। दिन में कितनी ब्लैक कॉफी पी लेती हो तुम? देखो बनती कोई 4-5 मग है, मग या लीटर? नहीं मग, गैलन नहीं, प्रॉमिस मग। लेकिन वो होता है कि आ गई है और पीने लगे और अच्छा जी वो सीन के लिए कर ले, तो उस तरह करते कराते आई थिंक 3 mugs और 4 mugs, मगर मग्स बड़े वाले, छोटे छोटे। गुस्सा होती हो कभी? नहीं कोई, हाँ अपने अपने मिजाज के बारे में बताओ। गुस्सा वैसे तो नहीं आता, लेकिन जब आता है तो फिर अच्छा वाला। क्या करते हो, चीजें तोड़ देती हो क्या? नहीं चीजें तो नहीं तोड़ती, लेकिन फिर मुझे ये होता है कि एक तो सबसे बुरा मसला ये है, बुरा तो नहीं होगा वैसे तो, ये अच्छा ही है, मुझसे प्रिटेंड नहीं होता। अगर कोई शख्स मुझे बुरा लग रहा है तो वो मुझे लग रहा है, मैं इरिटेट हो रही हूं ड्यूअल फेस के साथ, स्वीट नहीं हो सकती उसके साथ, या मैं उसकी बात को बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो इसलिए कुछ लोगों को लगता भी है कि मैं शायद बहुत गुस्से वाली हूँ, या मुझसे बात करते हुए लोगों को लगता है कि वो हम तो आपसे बात नहीं कर रहे। इजाज को ऐसे लग रहा है, पता नहीं क्यों ऐसे इजाज को लग रहा है, ऐसा नहीं है? इजाज को ही लग सकता है, बहुत काम किया है हमने साथ। नहीं कुछ लोगों को ऐसा क्यों लगता है ना, इजाज इज वेरी कूल। हां नहीं होता, प्रिटेंड नहीं करता ऐसे। मुझे भी जब आता है तो गलत बात पे आता है फिर। हां वैसे नहीं आता असल, लेकिन मैंने ना एक दफा ZQ के साथ हम काम कर रहे थे रिसेंटली, और मेरी वजह से ZQ जख्मी हो गई थी बड़ा शरीर। ZQ को गुस्सा आया था बड़ा, लेकिन इसने, मैंने आपकी शक्ल देखी, क्योंकि मैंने कभी एजाज असलम को इवन इन एक्टिंग वो जो पीला टाइप ऑफ ना कि ऐसे कि पता नहीं क्या हो गया, तो मैंने कहा हाँ हाँ नहीं ठीक है कोई बात नहीं,
और सुनिए ये वाक्य आप देख लीजिए, बिल्कुल जो यूट्यूबर एडिटर है यही वो मोमेंट है जहाँ से काटना बताएं। एक ऐसा हादसा हुआ नाजरीन, इस पे आपको $12 मिल सकते हैं अगर आप सही वीडियो छापेंगे इसको, प्लीज सही से कटिंग कीजिएगा। ऐसा क्या वाकया था कि ZQ जो है क्या हो गया था, मगर सिर्फ दो टांग खून हो गई और एजाज पीले हो गए। बहुत यानी वो सीन तुम्हारे डर गया था, मैंने कहा यार इतना बहुत परेशान रहा था। बहुत अच्छा बिल्ड करो इसको बिल्ड। फिर क्या हुआ, हम डाइनिंग टेबल का सीन था, हम खाना खा रहे थे, पहले तो ज़ूम करें ना एजाज के माशाल्लाह हाथों पे, माशाल्लाह चले डाइनिंग टेबल का सीन और बैठी हुई फैमिली जैसे ड्रामे का सीन होता है, ZQ या मैं इधर चेयर पे बैठा हुआ और कुछ आर्ग्यूमेंट होती है फैमिली में, तो वो जो टेबल थी वो उसका जो टॉप था वो शीशे का था, तो अब मुझे गुस्से में हाथ मारा मैंने टेबल पे तो वो शीशा टूटा और ZQ के इधर से टांग को काटता हुआ बाहर चला। अच्छा, और ZQ क्या करिए, ZQ को कोई दर्द नहीं हुई, ZQ कह रही है कंटिन्यूटी की शर्ट है फट तो नहीं गई, वो देख लिया तो वो सारा वो तो सलवार भी वाइट थी इसकी, वो पूरा ब्लड नहीं बटता नहीं था और सिर्फ दो टांके लगे। हाउ अनड्रामेटिक, मतलब अल्लाह ने बचा लिया माशाल्लाह, लेकिन बट द थिंग इज कि कोई पांच होता ना, अब ये कहती पांच टांके तो आप लोगों की इसकी शक्ल देखो बिल्कुल वैसी है कि दो टांकों पे इतना वक्त आया किया। मुझे तो हो रहा है कि दो टांके लाइक लेकिन टांके ज्यादा होने का इंप्रेशन अच्छा। मैं बहुत डर गया था जो मैंने ब्लड देखा, मैंने कहा यार मैंने हमारे फखर से बताते हैं 12 टांके लगे थे, हाँ 15 टांके, अरे मेरे तो 20 लगे थे, ये देखो यहाँ से यहाँ तक। तो पांच का तो बोल देती, थोड़ा सा नहीं था ना, सैचुरेट ड्रामा डालो, धागा खत्म हो गया था, किसी को बता बोलना पांच। मैंने उनको कहा था घी बना दे कुछ तो अब फायदा हो ना, मतलब लीमो मेक लेमन्स आउट ऑफ लेमनेड, जो भी तो टांके लगा रहे उसको बोल रही घी बना दे। वैसे सोचा कि अच्छा चलो अब जो जिंदगी भर स्कार हो गया है, और वो भी उन्होंने देखा इलेक्ट्रिक टेप टिश्यू के ऊपर इलेक्ट्रिक टेप काली क्रॉस बना हुआ कि जी आप कहाँ से आ रही है क्या हुआ है, मैंने कहा नहीं नहीं मैंने वो उसके बाद तो दोस्ती पक्की हो गई है बस जहर लगना लगा। एंड ही सो स्वीट, इसने अपना जो एजाज असलम वो जो प्राइवेट कलेक्शन है वो डिवाइन विच आई लव, जो अभी तक माशाल्लाह इतनी बड़ी बोतल भेजी जो इसके अपनी परफ्यूम है एंड इट्स वन ऑफ माय फेवरेट, इसने तुम्हारी खामोशी खरीद ली, ZQ को चुप कर दिया, चुप करा दिया। नहीं बिकॉज नहीं वो शक्ल मैंने देखी थी, वो असल परवा थी कि ओ माय गॉड। लेकिन ये जो हाथ है ना कभी कभी इसे हाथ से भी हो जाता है, क्या करूं मैं अब, या इन द टेबल आराम से ऐसे कर दूं करूं। ब्रेक के बाद वापस आते कहीं ना जाइएगा, और आप तो सोचिएगा भी नहीं क्योंकि अफ्तारी करनी है हमारे साथ। हाँ बिल्कुल, वेलकम बैक, लाइव ग्रीन है, बात हमारी चल रही थी ZQ और सुंबुल से, सुंबुल हादसों की बात हो रही है, तो कोई कॉन्ट्रोवर्सी ऐसी हुई जिसने हिला दिया हो, परेशान कर दिया हो, नींदे उड़ा दी हो, कोई कंट्रोवर्सी ऐसी? कंट्रोवर्सीज तो होती रहती हैं बट इट्स ओके। नहीं मतलब जिसने तुम्हें बिल्कुल एक परसेप्शन होती है ना चेंज कर दी हो किसी के बारे में या किसी ऐसी चीज के बारे में कि यार मैं तो ऐसा सोचा ही नहीं था, जब एक्टर हैंडल करना उसको कैसे? मुझे लगता है कि जब एक्टर हैं और आपको पब्लिक देखती है तो आपको रेडी रहना चाहिए किसी भी चीज के लिए, परेशान नहीं, आपको क्रिटिसाइज करता है या कुछ होता है तो ऑफ कोर्स आप हर्ट होते हैं, आपको कभी कभी बुरा भी लगता है, तो सोशल मीडिया पे कमेंट्स भी अक्सर कभी ऐसे आते हैं, आप कोई पिक्चर पोस्ट कर दें ऐसी अपनी तो उस पर भी कमेंट्स आते हैं, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। और ये कि जब आप यू डूइंग रियली वेल तो आपको लगता है कि कुछ लोग आपके पीछे पड़ गए, कुछ चीज़ें आपको आई थिंक अल्लाह ताला पे छोड़ देनी चाहिए और अपना बेस्ट करना चाहिए। लेकिन नादिया ऐसा भी होता है ना कि फिर दूसरे सोशल मीडिया हैंडल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं उसको लेके, मल्टीप्लाई करना शुरू हो जाते हैं, फिर वो छोटा सा इशू एकदम बड़ा बन जाता है। और फिर ये फैन पेजेस जो चला रहे हैं एक किसी एक्टर के फैंस दूसरे लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, अजीब सा वो आपस में लड़े हैं, पता नहीं बात कोई होती नहीं लेकिन इट इज, फिर वो एकदम जिसके बारे में बात हो रही है वो साइड को जाता है आपस में। आपने कोई र्यूमर या कोई चीज अपने बारे में सुनती हो तो कैसे रिएक्ट करती हो, गुस्सा चढ़ता है उनको जाके रीच आउट करती हो कि आपने मेरे बारे में खबर क्यों लगाई, या यू जस्ट इग्नोर? मैंने कभी रीच आउट नहीं किया। इट्स ओके, डिफरेंस इज द बेस्ट, इनडिफरेंस इज लाइक पानी ऑन आग। बिल्कुल, मैं अगर कहूंगी और फिर मैं अपना वो वीडियो बनाऊंगी कि जी ये हुआ वो, क्या फायदा? तो आपका काम है अच्छे कैरेक्टर्स करना, अच्छा प्रोजेक्ट लोगों को डिलीवर करना जिससे उनको अच्छा मैसेज मिले, और वो आपको इंडियन पसंद कर रहे हैं, बस वही आपकी सक्सेस है, मेरा इसी पे बिलीव है। वो इतना अच्छा लगता था कि जब हीरो हीरोइन आते थे तो हम इनको मिस करते थे, यार इनकी बड़ी मजे की, ये कब इतने मजे की, इसमें तो
कॉफी पीने की बात ही और है, बहुत एक्सपेंसिव कॉफी सेट है, मैंने कहां से कितने मिलियन डॉलर्स का लिया है, बहुत ही उसमें मतलब मुकाबले पे, दैट वाज वेरी नाइस। एंड देन अभी एक और ड्रामा आप जिसमें वो जरा मियाँ की भी सुन रही है, मियाँ बड़े पावरफुल हैं, फिर आप उसमें पीरनी टाइप भी बनी हुई है कि भाई एक लड़की आएगी और वो तुम्हें क्यों खुद याद नहीं है माशाल्लाह, बहुत जल्दी नहीं पता है, मुझे ये भी पता है कि उसमें डायरेक्टर ने फिर ना थंडर भी दिया, बारिश भी दी। अच्छा बाय द वे एक शॉट में, क्योंकि वो सवेरा मैं जब ये वो कराची की वो वाली एक दिन सनली नहीं हो गई थी रात के 12 बजे बहुत ज्यादा बारिश, वो असल बीच में असल भी थी बिजली। हाँ, और वो जरा डर गए थे कि वो, क्योंकि मैंने अभी मतलब बंदिश किया था जिसमें काला जादू, तो उनका कि वो अलग तो वो पैरेलल्स ना हो जाए, तो इसलिए उन्होंने कहा अच्छा बस हम इतना ही रखते हैं। वो अगेन फिर एक और आप देखो इतनी वर्सेटाइल के काला जादू करा रही हैं और कैसे घर खराब कर रही हैं और इतना नेगेटिव रोल, और उसमें मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि मुझे आबिद सर जो डायरेक्टर थे उनसे डांट पड़ती थी, क्योंकि जब वो मंबल करती कहते थे साफ पता चल रहा है कि आप आयतुल कुर्सी पढ़ रही हैं, आप काला जादू करिए अल्लाह के वास्ते, आप मतलब कि कुछ कुछ और बस क्लियर ना हो, क्योंकि मैं बाकी डर के बारे में कहती हूँ अल्लाह प्लीज ये मैं कैरेक्टर करी हूँ आप उस तरह से, बहुत डार्क था। कितना अच्छा था वही, तो मुझे याद है अभी दिलनवाज, दिलनवाज वो एक बहुत खूबसूरत चुड़ैल थी, मैं भी ऐसी प्यारी पिछल पेरी नीलम की एक्टिंग में उसको क्यूज दे रही थी, और उसने वो क्योंकि वो मेरी क्या होती है मुझे नहीं पता, जैसे जिन काबू में था थी मेरे, तो कि मैं उसको क्यूज दे रही थी और उसका सोलो था, लेकिन मैं रो पड़ी वो जिस तरह से उससे वो तो बात है। तो सुंबुल आजकल कंपटीशन है ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा, लड़कियां नई जनरेशन नए लड़के लड़कियां बहुत आ गए, तो अभी इनसिक्योर फील किया किसी से? आई थिंक कभी सोचा भी नहीं इस बारे में, मेरा अपना एक क्राइटेरिया अपनी एक दुनिया है और मुझे बस पता है कि मुझे क्या करना है और क्या मुझे कंपटीशन पर नजर, वो तो ऑफ कोर्स वो तो मैंने आपसे कहा ना कि अगर आपने अपने आप पे स्टॉप लगा दिया, वैसे भी आप कुछ भी हो, आप एक्टर हो, आपको किसी भी प्रोफेशन से ताल्लुक रखते हो, तो फिर तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते लाइफ में, लेकिन तो दूसरे का काम देखना चाहिए, उससे हमेशा लर्निंग होती है। मुझे तो ये लगता है अगर कोई किसी का अच्छा प्रोजेक्ट है, कोई सक्सेसफुल है, तो देखना चाहिए आप क्या चीज ऐसी है कि वो, बिल्कुल अगर कोई न्यू कमर भी आ रहा है इवन दो किसी का डेब्यू प्ले भी है और वो अच्छा कर रहा है, तो आपको उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। लाइक जब मैंने स्टार्ट किया था तो उस वक्त जो लोग थे उन्होंने मुझे आके अप्रिशिएट किया और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा भी। कभी ऐसा नहीं हुआ कोई बैकलैश आया हो, किसी ने बैक बाइटिंग की हो, तुम्हें पता चल गया हो इसने मेरे लिए लाइक को स्टार ने कर बहुत होता है, लेकिन मैं आपसे वही कह रही हूँ कि आपको अपना ट्रैक पता होना चाहिए कि मैं क्या कर रही हूँ, अगर आपकी जगह ठीक है आप स्टैंड आउट कर सकते हैं, तो मेरा एक ही पैटर्न है मैं उस पर चलती हूँ, और अगर कोई अच्छा कर रहा है तो ऑफ कोर्स मैं देखती भी हूँ, मैं सीखती भी हूँ, चाहे वो कोई किसी पुराने एक्टर को ड्रामा हो, कोई फिल्म हो, या कोई नया एक्टर हो और लड़की हो लड़का हो, अगर वो अच्छा कर रहा है तो डेफिनेटली आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, और अगर कुछ सीखने को मिल रहा है तो सीखना चाहिए, सीखना चाहिए। वैसे माहौल कैसा होता है, तुम जाके सबसे दोस्ती कर लेती हो या थोड़ा कुछ लोग ना अलग बैठते हैं अपना काम कर रहे हैं अलग अलग? हाँ, मेरा थोड़ा सा ऐसा ही है, मुझसे मैं एकदम से किसी से दोस्ती नहीं कर सकती या एकदम से किसी से फ्रैंक नहीं हो सकती, तो थोड़ा सा मुझे टाइम लगता है बात करने में या किसी से अपनी केमिस्ट्री डेवलप करने में। लग रहा है तुम दोनों को तो भी बहुत टाइम लग रहा है, हमारी दोस्ती हो गई है। हाँ बिल्कुल सही। अच्छा फिर ऐसे में क्या होता है वो लोग जो थोड़े इंट्रोवर्ट होते हैं, एक और भी बड़ी प्यारी एक्टर हमारे साथ आई, उसको भी मैंने ये पूछा कि लोग आपको समझते हैं कि यू आर अ स्नॉब। अच्छा आपको बताओ, प्राउड है बहुत, कह देते हैं कि वो रूड है, रूड है इनका एटीट्यूड है, जबकि वो ऐसा नहीं होता, वो एक्चुअली टाइनेस होती है, टाइनेस भी नहीं कह सकते उसको, आपको अगले से अगले के साथ आपकी कम्युनिकेशन इतनी स्ट्रांग नहीं हो पा रही होती कि आप उससे एक्स्ट्रा बातें करें या उससे आप अपनी अपना लाइफस्टाइल या अपनी रोज़मर्रा की चीज़ें डिस्कस करें, बट ग्रेजुअली हमारा काम भी ऐसा है कि हम फिर अगर कोई चीज़ शुरू करते हैं तो कभी कभी 6 महीने कभी कभी 2-2 साल तक भी प्रोजेक्ट चलता है, तो फिर आपकी दोस्ती हो जाती है। इंट्रोवर्ट या कुछ लोग होते हैं जो एकदम नहीं बनाते हैं, टाइम लेते हैं, मैं तो पहले दिन पहला सेकंड हाँ क्योंकि एंटर हुए भी नहीं होते। अच्छा, टेस्ट मुझे एक रात पहले से होते हैं, जैसे नई क्लास में ना डायरेक्टर, बेशक आपने उन डायरेक्टर के साथ कोस्टर्स के साथ काम किया, लेकिन अगर सुंबल मेरी बेटी हो और मेरा पहला दिन हो, मैं आकर उसको कहूँगी ओ यू आर प्लेइंग माई डॉटर एंड हग हर, ताकि क्योंकि जो चीज कैमरा डजंट लाए, तो वो जो केमिस्ट्री आपकी डेवलप होनी है ना वो ऑफ सेट मेकअप रूम में होनी है, जिस जो आपको फिर कैरी थ्रू करेगी कैमरे के सामने, कि वो आप ताकि आप लोग कंफर्टेबल हो जाएं एक दूसरे के साथ। पास्ट में अगर जाओ तो
क्या ऐसी चीज है, तुम दोनों से सवाल है कि चेंज करेंगे या ऐसा क्या होता उस वक्त तो आज ऐसा होता? अगर मैं एक्टिंग नहीं करती वापस जाती, अगर वापस चले गए तो एक्टिंग ऐसी जस्ट करो कि अंडू कर दोगे, यार ये ना करती ये कर लेती, काश पास्ट फिंगर बन जाती। नहीं ये तो नहीं, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, एक्टर हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे आई एम हैप्पी। बहुत यार ये सब्जेक्ट ना लेती, मिस हो गई कि काश ये भी, यार मैं साइंस ना पढ़ती, आर्ट पढ़ लेती, ये ना करती वो कर लेती, इस तरह की कोई चीज। एनीथिंग, एक्टिंग ना करती तो बैंकर होती। बैंकर होती, हाँ। अच्छा मुझे आई फील के मुझे अपनी जिंदगी, इवन व्हेन आई वाज 17 मुझे हमेशा लगता था मैं मोटी हूँ, तो मैं आप जब वो वाली तस्वीरें देखती हूँ तो मैं कहती हूँ कि काश मैं पीछे जाकर अपने आप को अप्रिशिएट करती, हमेशा ये ना होता कि नो यू आर नॉट गुड इनफ, लाइक यू नो जो मैं अपने आप को देखती थी, आई नेवर थॉट दैट आई वाज। अब मैं जब देखती हूँ मैं कहती हूँ मैं उस वक्त क्यों स्ट्रेस कर रही थी, मतलब कि उस तरह की, सो हार्ड ऑन योरसेल्फ। हाँ वेरी, तो वो आई विश आई वाजंट सो हार्ड ऑन माय सेल्फ। और उसकी और मॉडलिंग डेज में कोई बहुत सख्त डाइटिंग भी की होगी टॉर्चर वाली? नहीं वो अल्हम्दुलिल्लाह मेटाबॉलिज्म बहुत तेज था ना, क्योंकि मतलब वी स्टार्टेड एट 17 18 तो उस वक्त कोई टेंशन नहीं होती। के बाद हाँ 35 के बाद आप कहते हैं क्या, हाँ तो हवा भी लगती है पानी भी लगता है, आप सोच रहे हैं किसी चीज़ की तो वो भी उसके भी किलोज हो जाते हैं। तो सोच से याद आया कोई प्रपोजल वगैरह आए कुछ ऐसे, कोई पागल हो गया तुम्हारे पीछे? यू सेड नो। आई थिंक आई एम एजाज, बहुत आए होंगे एज लाइक यू थिंक आई गिव ऑफ लाइक एन अनअप्रोचेबल वाइब। वैसे मैं, मुझे लगता है कि मेरी दुआ मुझे लग गई है, क्योंकि मैंने अल्लाह को कहा था कि आई एम नॉट अ गुड जज ऑफ कैरेक्टर कीपिंग माई पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड, तो मैंने कहा था अल्लाह जो आप भेजें वही मुझ तक पहुँचे, वरना इधर उधर करवा दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई 13 साल हो गए आफ्टर माई फर्स्ट डिवोर्स, अल्लाह ने कहा अब बेटा आप ऊपर ही कहीं। नहीं लेकिन फिर भी हो नहीं सकती, तुम प्यारी हो और लड़की सिंगल हो, लाइमलाइट में हो, हर वक्त सेट पे होती हूं। ये तो कह रहा हूं टाइम मैसेज, अब तो इतनी टेक्नोलॉजी इतनी है, कोई मैसेज वैसे नहीं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हैं, मैं अमेरिका में रहता हूँ, डॉक्टर हूँ मैं, आपका दीवाना हो गया हूँ, अब मैं क्या बोलूँ, ये अमेरिका से डॉक्टर वाले मैसेज बहुत आते हैं। नहीं नहीं, और हमें क्या मतलब, यहाँ पे मैं खुद कमा रही हूँ सब कुछ, कोई टेंशन नहीं है। यू नो आप जब बड़े होते हो तो आप कुछ और सोच रहे होते, समवन हु मेक्स यू लाफ आपके वेव लेंथ पे है, यू कैन टॉक अबाउट सिमिलर थिंग्स एंड यू कैन टॉक अबाउट पॉलिटिक्स, यू कैन टॉक अबाउट एवरीथिंग एंड एनीथिंग, वो एक लाइक माइंडेडनेस। आप शादी होते होते भी नहीं आई, मतलब नहीं यहाँ भी नहीं आई, हमारे सर की कसम यार 13 साल में। हाँ और मैं देखती हूँ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, तो कोई बंदिश पता नहीं? नहीं नहीं कोई बंदिश नहीं है, उसके लिए मैं पढ़ती हूँ दुआएं, कुछ नहीं। आई थिंक ना वक्त से पहले ना नसीब से ज़्यादा। और अगर अब कोई बहुत अच्छा प्यारा सा रिश्ता आ जाए, अल्लाह सुन ले ना, कबूलियत का वक्त है, यहाँ वो then you don't mind। हाँ तो ZQ ये बताएं कि अब आगे कुछ ऐसी कोई फिल्म करने का इरादा है, कुछ सोचा? नहीं आई एम नॉट इंटरेस्टेड। फिल्म करोगी नहीं सोचा? नहीं मैंने एक सीन किया था जवानी फिर निहानी में, और वो भी एक सीन क्यों गेस्ट पे कैमियो, हाँ वो भी किसी कोई और नहीं था, बिकॉज ये जो डबिंग और वो सब है बहुत मुश्किल चीज़ है, और मैं एडलिप करती हूँ मैं अपने नॉर्मल वाले ड्रामों में, तो मैं जितनी देर में एक फिल्म करूँगी उतनी देर में मैं बहुत सी डिफरेंट कैरेक्टर्स वाले प्रोजेक्ट्स कर सकती हूँ, तो ये फिल्म वाली मुझे वो है ही नहीं जो उम्र थी। लेकिन फिल्म जल्दी शूट हो जाती है, ड्रामे से ज़्यादा जल्दी। नहीं भाई मुझे बहुत मज़ा आता है कि 4-5 डिफरेंट कैरेक्टर्स कर रही हूँ और इस तरह से, और डबिंग लगता है कि वो टाइम जो मैं फिल्म में दूंगी उस टाइम में 4-5 ड्रामे निकल जाए। हाँ नहीं एजाज जब आप डबिंग के लिए जाते हो, मैं एक सीन के लिए इफ्तारी के बाद से सहरी तक मैं एक सीन के लिए, क्योंकि मैं उसमें लॉयर थी वो जब उसमें, अभी भी डबिंग होती है और क्या बाकायदा माइक नहीं आगे अच्छे नहीं, और आ गए हैं लेकिन वो फिर भी डबिंग इज डबिंग, उनके अगर आउटडोर शूट हो रही है बैकग्राउंड नॉइसेस हैं और बहुत सारे तेज बोलती हूं मैं तो डब ही ना अपने आप को कर सकूं। नहीं तो वही तो चीज है कि आपकी इतनी इमोशन उस वक्त सारा कुछ आप कैरेक्टर में होते हैं, उसके बाद जो डबिंग भाई ये बहुत, लेकिन डबिंग से एक और लाइफ मिल जाती है, बोलते ना। अच्छा एक और बड़ा मजेदार सवाल मैंने कहा आज से हम पूछेंगे अपने एक्टर से, कि जिस दिन आपकी शूटिंग नहीं होती जब डे ऑफ होता है, अच्छा सुबह तुमसे शुरू करते वो दिन क्या होता है, सुबह से रात तक बताओ। वो दिन पता ही नहीं चलता, इतनी सारी चीजें करने को होती है, आप सोच रहे होते हैं ना अच्छा मेरा ऑफ आएगा मैं ये भी करूंगी, अच्छा मैं यहाँ भी जाऊंगा, सलोन भी जाना है, अच्छा मुझे नींद भी पूरी करनी है, ये भी करना है, तो वो जिस दिन ऑफ होता है उस दिन दो काम होते हैं, दिन पूरा हो जाता है और आपको पता ही नहीं चलता। कितने बजे सुबह उठोगी, रूटीन बताओ सुबह से? मैं बहुत ज्यादा देर से उठने की आदत नहीं है, 9 बजे तक मैं उठ जाती हूँ। फिर क्या करोगी उसके बाद? फिर जो सोचा हुआ है वो स्टार्ट करूंगी रूटीन पूरी अपनी, और ट्राई करूंगी सारे काम हो जाए जो नहीं होते हमेशा की तरह होते ना, अलमारी सही करनी है, कपड़े रखने हैं सही इधर उधर करके, अलमारी तो मेरी कभी सही नहीं रहती।
कि मेरी अम्मी कहती तुमसे ज्यादा तुम्हारे कपड़े हैं इस घर में, कहाँ जाएंगे ये, कहाँ रखे कपड़े, इसने तो टैंकी में वार्डरोब बना लिए, पानी नहीं है वहाँ सच्ची गुस्सा, इसने को कहाँ रखू कपड़े, सारी अलमारियां अम्मी के कमरे की भी अलमारियां ले ली ना, तो फिर उसने कहा टैंकी है, तो टैंकी को भी मॉडिफाई किया गया, क्या करो वो भी भर गई ना दिया, टैंकी भर गई, वो भी भर गई सब जो नई बनी थी, अब समझ नहीं आ रहा अब क्या करूं, 18 तो उसकी अलमारियां जराबों की सी। जी क्यों आपका ऑफ डे कैसा होता है? तारीख गवाह है कि जो मैंने प्लान किया होता है टू डू लिस्ट वो कभी नहीं होता, शायद मैं पूरा दिन सोती रह जाऊं, तो वो उस वक्त हंस पे मूड होता है मेरा, और कभी संडे नहीं होता, कभी ट्यूसडे हो जाएगा, कभी वेंसडे हो जाएगा, तो मुझे नहीं पता होता, कभी सुबह 10 बजे कहते हैं जी आज शूट नहीं है, तो ऑफ डे का नहीं पता, तो इसलिए प्लान ही नहीं कर सकते, पता होता ना कि आज शूट कैंसिल होगी तो दिल करता है टेरेस पे जाके ना घूमे ऐसे ऐसे करके, किकली डाले किकली डाले, है ना कुछ होता है, अफ्तारी का तैयार करो, इतनी बड़ी खुशी होती है, तो यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अब हम अफ्तारी बनाएंगे और उसके बाद हम टेबल सेट करेंगे और अफ्तारी करेंगे साथ, अफ्तारी करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, हम हैं हम यहाँ अपने ग्रीन किचन में, इजाज़ असलम कुछ बनाएंगे, क्या बना रहे हैं? मैं आज बनाऊंगा ओट एंड बनाना कुकीज, क्या बात है, लेकिन जो सरप्राइज है हमारा सबसे बड़ा वो ये है निगत जी, और आज फूड पैंडा ने सरप्राइज दिया हमें भी, आप सबको भी, अपनी होम शेफ को यहाँ भेज के, जो कि हमें आज कुछ बनाना सिखाएंगी जी, आप कितनी क्यूट है निगत जी, आप होम शेफ कैसे बनी पहले तो मुझे ये बताएं। होम शेफ ऐसे बनी कि एक दिन ना मेरे स्कूल जब हुआ था मेरी बेटी की जॉब चली गई थी, अच्छा तो उसके बाद हम लोग परेशान हुए बहुत, तो वहाँ पे फिर उसने आगे कहा कि ना मम्मी हम लोग ऐसा करते हैं अपना काम फूड पांडा पे शुरू करते हैं, इस तरह से जो है ना एक एक घरेलू परेशानियाँ जो है ये भी खत्म हो जाएंगी और जो है ना हमारा सही हो जाएगा मसला, वो अल्लाह का नाम लेके अल्हम्दुलिल्लाह हमने शुरू किया, तो अल्लाह ताला ने बस ये समझे कि हाथ पकड़ लिया, और कोविड तो खत्म हो गया लेकिन ये अच्छा हो गया, इतना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़, पहले जब जॉब गई थी बेटे की तो बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी, सोचते थे लेकिन अब हम सोचते ना वो तो बाखुदर ही गया, वो जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, अल्लाह ताला ने जो किया हमारे साथ, बेस्ट आइडियाज आते हैं और उधर से इंसान जो है ना फाइटर, तो उसमें आपके आपने को अपना मेन्यू बनाया हुआ है? जी मैंने बनाया है, वो जो आपकी जो एक्सपर्टीज होंगी डिशेज वो आप बनाती होंगी? जी जी मैं देसी खाने ज्यादा बनाती हूँ। अच्छा क्या क्या देसी खानों में? जैसे मटर पुलाव है, चिकन कढ़ाई, चिकन अचारी, घर वाला अचारी की माँ जी घर का जायका होता है, पसंद करते हैं बहुत। आप ऑफिसेस वगैरह में भी बहुत सारे जाते हैं? जी 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 वो लोग ऑर्डर करते हैं। रेस्टोरेंट में तो इतना कुछ स्टोरेज वगैरह का होता है, घर में आपको इतनी सारी चीजों का सामान कहाँ रखती है, कैसे तैयार करती है कि एकदम ऑर्डर आ जाए पुलाव, दूसरी तरफ आ जाए निहारी, इधर से बिरयानी, उधर से कबाब, कैसे करती? मेरी दो बम्बे एक बेटी भी है तो वो भी होती है मेरे साथ, और तकरीबन पूरा घर मेरे साथ होता है। जी मेरे दोनों बेटे जी सामान इधर यहाँ मुर्गी रखी हुई बहू के फ्रिज में, छोटे जो बेटे की बेगम है उनके पास क्या मटन रखती है जी, हर एक के अलग अलग फ्रिज लगा रखा होगा, बिल्कुल है ना, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा उसके बाद फिर कैसे इधर से निकालना उधर से निकालना? फिर उसके बाद जो है ना ये काम शुरू किया हम लोगों ने, अल्लाह का शुक्र है शुरू में तो थोड़े कम आते थे ऑर्डर, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है बहुत माशाल्लाह 50-60 ऑर्डर रोज होते हैं माशाल्लाह। और उसके बाद एक्चुअली कितनी अच्छी बात है जो फूड पैंडा ने शुरू किया, इतने लोग इंडिपेंडेंट, एक तो रेस्टोरेंट बिजनेस सेटअप हो गया, फिर उसके बाद बहुत सारे हम लोग हैं जो कहते हैं हमने रेस्टोरेंट का नहीं खाना घर का खाना, घर का आजकल लोग घर का खाना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, रेस्टोरेंट का खा खा के ना उकता गए लोग ज्यादा, कुछ बस वो कोई वीडियोस भी ऐसी देखी ना दिल खराब हुआ यार, सफाई वाला खाना खाना है, और फिर निगत जी की जब रेसिपीज होती है उसमें प्यार भी होता है, बिल्कुल बिल्कुल प्यार भी, आप खास ख्याल रखती हैं सफाई वगैरह का, जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा सोचा कभी कि रेस्टोरेंट खोल लिया जाए? वो इतनी तो अभी नहीं है, अभी इतना नहीं कर सकते, अगर अल्लाह ताला ने करम किया ऐसा हुआ तो खोल भी सकते हैं। क्या नाम रखेंगी रेस्टोरेंट का? अम्मी की हांडी, लकी। अभी आपकी बिजनेस का नाम यही है अम्मी? ये जी अम्मी की हांडी। आई लव इट। नाम कितना, किसने नाम रखा है ये? मेरे बेटे ने। अच्छा उसकी अम्मी हुई जाहिर है, अम्मी की हांडी। अम्मी की हांडी सच में नाइस नेम, ब्यूटीफुल। बताएं अम्मी की हांडी से जो निगत जी हैं आप हमें आज क्या बनाना सिखाएंगे? हम आज आपको ना, अच्छा हाँ अच्छा अभी आपने हमें रेसिपी बताएगा, उससे पहले मैं चाह रही हूँ आपने बहुत एनर्जी आ जाए, आपने मजे मेरे में एनर्जी हुई है वो है बेहतरीन। और जी क्यू अब आप करके बताएं? नहीं आता
आगे कैसे जाओगी? नहीं, मैंने और पिछल पैरी वाली नहीं करनी। बड़ा खतरनाक हो गया। बस कर दो बहन, मैं भी क्या बना रही है? हम आपको जो ना कुरकुरे की हलचल चाट बनाना हलचल खा के हलचल आ जाएगी जी। इसको नहीं खिलाइएगा। कुरकुरे जो है क्रिएशन करता है भाई। आदिया तुमने खाना हलचल तबाही आ जाएगी। चाट है ये, क्या है चाट? अच्छा, इसमें चाट क्या क्या होगा इस्तेमाल? इसमें ये इस्तेमाल होगा जनाब, ये दही, ये पापड़ी है, ये मीठी चटनी, ये चाट मसाला, ये कुटी मिर्च और ये दही बड़े। जबरदस्त। तो फिर ये इसको आप शुरू करें, फिर उसके बाद करें। हाँ जी, आप बिल्कुल शुरू करें। आप अपने कर ले पहले। मैं कर लेता हूँ, आप कर ले पहले, फिर मैं फिर चली जाती हूँ। नहीं नहीं, आप खड़ी रहो। हाथ धो लूं मैं पहले? हाँ जी, चाट बन रही है। जी क्यों? I'm so excited. Will you like चाट? थोड़ी बहुत, थोड़ी बहुत। ज़्यादा बहुत क्या पसंद है? खाना, कुछ और खाना? मेन खाना, खाना पसंद है। फिर अम्मी की हांडी पे करना है ना, अम्मी की मटर पुलाव। मटर पुलाव तो बेइंतहा मशहूर है, बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। और शामी कबाब भी, शामी कबाब और रायता भी, प्याज वाला। और भी कुछ बोल लग रहा है? आपने प्रोग्राम देखा है शायद? प्रोग्राम हाँ, मैंने देखा है। ऑर्डर किया आपका खाना फूड पैंडा के थ्रू, मुझे तो पता है। सही बताएं, ईमान से डब्बे पड़े हुए घर में, अम्मी की हांडी, अम्मी की हांडी। पसंद आया? पहली भी पसंद आया आपको? बिल भी पड़ा हुआ है। अच्छा जी, क्या करें, स्टार्ट कर दें? हाथ धो लिए मैंने हाइजीन का ख्याल रखते हुए। उसके बाद हमने एक बनाना लिया, ठीक है। हमने इसमें एक कप ओट्स ऐसे डालता हूँ, मैं भी सीख लेती हूँ। जी जी, आप हाँ जी, कल से दस उसका ना आपके मेन्यू में उसका नाम रख दीजिएगा, एजाज। मेरे नाम से डेडिकेट। एजाज की क्या था ये, कुकी है क्या बन रहा है? कुकी है, कुकी। इजाज़ भाई की कुकीज। मगर ये क्वांटिटी कितनी है? एक कप है। एक कुकी बनेगी? एक दो कुकीज बनेगी। हाफ हाफ टीस्पून से थोड़ा सा ज्यादा ये वेनिला एसेंस डाला हमने। तो बेक करेंगे बाद में? हाफ टीस्पून, हाँ हाँ बेक होगा। हाफ टीस्पून हमने इसमें बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर डाला, अ पिंच ऑफ सॉल्ट, एक चुटकी सॉल्ट। फिर हमने इसमें दो अंडे डाले। देखियो, तुम्हारे पर जो पंजाबी ड्रामा था वो एक्सेंट कितने मजे का था, याद है? बहुत मुश्किल था करना ऐसे पंजाबी एक्सेंट, उसके बाद डायलॉग भी ऐसे होते थे। थोड़ा सा मिल्क भी डाल रहा हूँ, सॉरी टू कट यू। ऐसे ही बोलना जो सवाल करना फिर कैरेक्टर में। दो कुकियों के लिए देखें जरा, हम इंतजार कर रहे हैं। ये तो अभी पकेंगे, अभी तो बातें होंगी। तो इन दो कुकीज में कितनी कैलोरीज होंगी? ये इसमें देखो, हमने कोई ऐसी चीज़ डाली नहीं, हमने इसमें शुगर भी नहीं डाली। मेपल सिरप ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल लें। और कैलोरीज जो हैं वो आप, ज़रूरी नहीं है पूरा कुकी खा जाएं एक ही टाइम, थोड़ा खाएं। तो शीशे की बोतल में मेपल सिरप था और बहुत आहिस्ता आहिस्ता मीठा करता है। मैंने इतना सा डाला, नहीं हुआ मीठा, फिर और डाला, नहीं हुआ मीठा, पाँचवीं छठी दफ़ा। हाँ तो वो एक दफा तुम्हें आइडिया हो जाएगा ना कि कितना। लेकिन ये सहानी तो बहुत तेजी से मीठा करता है, मेपल सिरप जरा स्मूथली मीठा करता है। जहाँ ये मेपल सिरप, जैसे हम ब्राउन शुगर यूज करते हैं जैसे शुगर के लाइक गुड़ से, तो ये मेपल मेपल इज अ हेल्दियर ऑप्शन। एक तो वजह ये है ना कि नेचुरल होता है मेपल, इज अ वो प्लांट वो होता है ना, तो जैसे कनाडा में आपने देखा होगा मेपल ट्रीज बहुत होते हैं। तो आप प्रेफर करोगे गुड़ या मेपल? गुड़ भी ठीक है, मेपल थोड़ा सा इसकी वो कम होती है। और कंसिस्टेंसी में फर्क आ जाएगा? कंसिस्टेंसी गुड़ का एक बिल्कुल अलग टेस्ट होता है, थोड़ा स्ट्रॉन्गर टेस्ट होता है। तो ये चीनी का रिप्लेसमेंट जरा बेहतर होता है। मैं वैसे अगावे सिरप ज्यादा यूज करता हूँ, लेकिन अगावे यहाँ बहुत मुश्किल से मिलता है। अगावे इज ऑल्सो अ प्लांट। बस ये हो गया, इसको बेक कर लेंगे। भी नहीं है बगैर में, कैसे बन गया? बस बेक होगा, बन गया, बस बेक होगा। क्या बात है, बेक होगा। इसके ऊपर हम अभी मोल्ड में डाल दें और फिर बेक कर दें, स्प्रिंकल करेंगे। कितनी देर में बेक होगा ये? लगेंगे इसको 20-25 मिनट्स। इसमें हमने ये थोड़ा चॉकलेट चिप्स डाल दिए, डार्क चॉकलेट चिप्स। अब इसको हम बेकिंग के लिए रख देंगे।
वाह क्विक रेसिपी फैबुलस सही है ना जल्दी बनेगा निगर जी हमारी एंटरप्रेन्योर है अपना बिजनेस है बिल्कुल अम्मी की हांडी इट्स अमेजिंग बिल्कुल मुझे बहुत अच्छा लगा और ये वुमन एम्पावरमेंट भी है कि आप देखें कि जरूरी नहीं हर कोई जॉब करे जब आप खुद अपना काम करते हैं तो आप दूसरों को जॉब देते हैं बिल्कुल और घर में बहुत नहीं घर में भी बहुत सहूलत है ना हमको हम घर भी देख सकते हैं हमने आराम से ये काम भी करना ये फूड पांडा ने बहुत अच्छा किया है ये जो ना उन्होंने कितने ऑर्डर आते हैं दिन में आप कितनी कितने घंटे खाने बनाती हैं 50 से 60 मैं सारा दिन खाना बनाती हूं सुबह 11 से स्टार्ट होता है रात को 12 बजे तक उफ तंग नहीं होती या मजा आता है तंग मजा आता है आदत हो गई ना तो मजा आता है कभी कभी तंग भी हो जाते हैं जब ज्यादा थक जाते हैं गर्मियों में ना मुश्किल गर्मियों में मुश्किल होता है लेकिन वही है ना कि फिर घर की रमजान में ज्यादा ऑर्डर होते हैं रमजान में अफ्तारी के भी होते हैं ना सहरी के भी होते हैं ये सहरी तक खुले हैं अच्छा जी चलिए अब आप बताइए हमें जो आसान चाट है विद कुरकुरे एक बाउल लेंगे इसमें ये बड़े डालेंगे ये बड़े कैसे बनाए घर में ये बेसन से बेसन और इसमें जीरा और पकौड़े की तरह अच्छा ये वो दो नहीं है नहीं, दाल माशी दाल का नहीं है माशी दाल का नहीं है ये बेसन वाली सही है इसमें ये दही डालेंगे हम फ्राई करके वेरी नाइस बेसन और पकौड़ों वाला मसाला डाल लेना इसमें इसमें जी चाट मसाला हाँ चाट मसाला डालेंगे कुटी मिर्च डालेंगे ये बड़ी फ्लेवर वाली आपको रेसिपी मिल रही है नोट कीजिएगा मिस नहीं करना राइट इट डाउन या यूट्यूब पे बार बार रिवाइंड करके देखिए ये मीठी चटनी इमली की मीठी चटनी बड़े दही और ये कौन सी चटनी मीठी इमली की चटनी कैसे बनाई आपने ये इमली पका कर ना इमली बना के थोड़ा सा इसमें गुड़ डाले और कुटी मिर्च डाली नमक डाला भुना हुआ जीरा ये देखें आधा चम्मच ये कुटी मिर्च डालेंगे इस पे खूब चटपटा लग रहा है चटपटे जरा पसंद करते ना चाट का मसाला भी आप खुद बनाती हैं या जी चाट का मसाला भी खुद बनाते हैं सब कुछ खुद बनाते हैं ये सबसे अच्छी चीज है रेडीमेड मसालों का एक अलग जायका होता है और जी जी होममेड मसाले होते हैं उसका अलग अब मुझे बताएं फूड पैंडा से जब हम ऑर्डर करवाएं अम्मी की हांडी तो तीन चीजें जो जरूर हम आपकी ट्राई करें जो सबसे ज्यादा लोग पसंद करते हैं तो मटर पुलाव बेइंतहा पसंद करते हैं शामी कबाब सही है चीज ऑमलेट बहुत पसंद करते चीज क्या चीज ऑमलेट भी वाह वाह तो शामी कबाब आपके वो होते हैं जिस तरह रेशे रेशे वाले जी 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 ना सिल्पर पीसे क्या सिल्पर पीसती हैं आप जी नहीं मैं नहीं पीसती बहू पीसती है ये देखें इसमें कुरकुरे डाले इस तरह करके थोड़ा सा चूरा चूरा करके कुरकुरे की बहुत सारी रेसिपी हमारी जाती है हमारी बहुत ज्यादा जाती है कुरकुरे की सही पालक पत्ता चाट है और हाँ चना चाट है और बहुत सारी ये वो है हलचल चाट हलचल चाट ड्रामे का नाम भी हो सकता है पालक पत्ता की कहानी हलचल भैया अच्छा हम लोग तो इस वक्त यहाँ है अगर कोई इस वक्त ऑर्डर कर रहा हो फूड पैंडा पे बहू है ना और बेटा एक देगा देख रहे हैं उधर जी चाट बन गई है और बहुत एपेटाइजिंग मजे की लग रही है और ये वो है क्रंची वाली नी ये इसमें इतना ज्यादा दही डाल दो ना तो फिर वो वैसी क्रंची नहीं रहती तो इसमें ये कि वो खाके इफ्तारी के वक्त फौरन हम चाट के शौकीन हाँ ना आपको पता चल रहा है I know मुझे इतना अच्छा मुझे होता है इफ्तारी के टाइम पे दिखियो कि चाट समोसा मिल जाए लो भाई ये भी रेडी हो ओ फास्ट फॉरवर्ड हुआ ओके जी ऐसा करते हैं कितने हाजिर दिमाग थे इजाज असलम जब निगर जी बना रही थी ये चाट क्या क्या उन्होंने इस्तेमाल इन्होंने चटनी मीठी कुटी हुई मिर्च नमक पापड़ी नमक नहीं डाला दही डाली सामने नजर आ रही है बाकी चीजें चाट का मसाला कुरकुरे क्यों बोलो बोलो सबसे पहले बड़े बड़े सबसे बड़े डाले और वो भी बेसन वाले नॉट माल वाले दाल वाले कुछ रह गया लेकिन चाट मसाला लेकिन माशी दाल वाले बहुत पसंद करते हैं जी पापड़ी भी पापड़ी पापड़ी भी थी क्या बात है अच्छा ये रमजान में इफ्तारी वाहिद मौका है पूरे साल में कि आप मेहमानों को भी कह सकते हैं कि जी आइए टेबल हमारे साथ लगाएं और सब ना भी कहे तो सब खड़े हो जाते हैं यार साथ में टेबल सेट करते हैं तो ये क्यों है मेरा
ताकि जीक्यू और सुंबल उठे और मेरी हेल्प करें। हम टेबल सेट कर रहे हैं और अफ्तारी करेंगे साथ मिलकर। आप भी अफ्तारी कर सकते हैं साथ, आप भी अफ्तारी करें साथ साथ, और मेरे साथ निगम जी भी हैं। आइए आपको आपकी बनी हुई चाट खिलाते हैं। आइए हमारी बनी हुई चाट हमें खिलाएंगी। हाँ आपको ही खिलाएंगे आज। ये देखिए आज आप खुद खा के बताएं कैसा। आइए आप बैठे, यहाँ बैठे टेबल पे आइए निगम जी, होम शेफ, और साथ में हम सेट कर रहे हैं। और भी आमना आ जाओ भाई, जल्दी से चीजें लाओ, समोसे पकौड़े मेरे कहाँ हैं। हरी अप एवरीबॉडी। जी हाँ, और मैं तो वो पार्ट प्ले करती हूँ कि मैं काम करवाती हूँ और करती कम हूँ और सबसे ज्यादा बिजी लगती हूँ। आई एम स्मार्ट। आप भी मेरी तरह समझदार बने, खुद काम ना करें बल्कि सब बच्चों से काम करवाएं और सिर्फ उनको ऑर्डर्स दें। अपना ख्याल रखिएगा, कल मिलेंगे सेम टाइम ऑन ग्रीन टीवी, लाइव ग्रीन है। अरे चलो चलो जल्दी आओ। अरे भाई अफ्तारी होने वाली, अफ्तारी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। जी बिल्कुल, पानी कहाँ है भाई। अरे लाल शरबत की तरह हमारा, देखो आओ चमचे की तरह। आमना किधर, समोसे। चले जी, वाह माशाल्लाह जबरदस्त।